हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, ग्रुप 56 नंबर का जो पेपर हुआ था उसको रद्द करवाने के लिए, रद्द क्यों करवाना चाहते हैं बच्चे उसका आपको पता होगा, तो यदि नहीं पता है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कोर्ट केस सुनवाई कब है, इसकी क्या केस हो चुका है, किसने केस लिया है, किसने केस किया है, सारी की सारी बातें यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसी सिचुएशन है आपकी, यदि आप उस सिचुएशन में ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं या आपको कोई भाई बंधु है, साथी है, यदि बेहतरीन टीम के साथ जुड़ना चाहता है तो ग्रुप डी के लिए अंतिम बैच स्टार्ट हो गया है। अंतिम बैच मैंने इसलिए नाम दिया है ताकि इसके बाद आपको कोई और बैच लेने की ज़रूरत ना पड़े। आज रात 12 बजे तक 799 रुपये फ़ीस है, उसके बाद में इसकी फ़ीस 1999 रुपये हो जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं जी मुद्दे पर। तो दोस्तों, कोर्ट केस हो चुका है ग्रुप नंबर 56 का पेपर कैंसिल करवाने के लिए। कैंसिल इसलिए करवाना चाहते हैं दोस्तों क्योंकि 57 का पेपर पहले हुआ था, फिर 56 का पेपर हुआ था नेक्स्ट डेट में। 6 तारीख को 57 का पेपर था, 7 तारीख को 56 का पेपर था, तो 41% पिछले दिन जो पेपर हुआ था ग्रुप नंबर 57 के लिए, 41% ग्रुप नंबर 56 में आ गए, यानी कि एक दिन का भी गैप नहीं था। 24 घंटे के अंदर एक सरकारी नौकरी के लिए, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 41% रिपीट हो गए। तो बच्चों ने इसी चीज़ का खेद जताया और विरोध जताया, तो कोर्ट में मामला चला गया। इसलिए कोर्ट केस और कहा भाई 41% रिपीट है, तो जिन्होंने आंसर की देख ली है या जिन्होंने सॉल्यूशन देखा है घर आके, उनको फ़ायदा हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ग्रुप नंबर 57 का पेपर दिया ही नहीं होगा, तो वहाँ पे उन बच्चों को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे केस नंबर आप देख सकते हैं, 17/719/2023 का ये केस है और विकास राय एंड अदर्स ने ये केस किया है, ठीक है। अंकुर सिद्धार्थ इसमें एडवोकेट रहे हैं और 11 अगस्त को ये केस डला था दोस्तों, ठीक है। अर्जेंट में इसकी सुनवाई होने जा रही है, तो 16 अगस्त को, आज 15 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को 10:30 बजे के आसपास, तो 16 तारीख को सुनवाई है दोस्तों, ठीक है। अर्जेंट में 114 नंबर सीरियल नंबर रहेगा और कोर्ट नंबर रहेगा 28। तो कल देखते हैं, जो भी अपडेट होगी इसकी आपको बता दिया जाएगा। आपको पता है एडवोकेट सिद्धार्थ से मैं बातचीत करता रहता हूँ, वो बातें बता देते हैं, यदि कुछ शेयर करने लायक हो पब्लिकली तो सारी की सारी बातें इसकी, इसका क्या रहेगा कल वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। आपको क्या लगता है, क्या पेपर कैंसिल होगा, क्या आपके हिसाब से पेपर कैंसिल होना चाहिए, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।